हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट वन अकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, स्पेशल CHSL के लिए मैथ्स आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और यहां पर आपके लिए आज एक छोटा सा चैप्टर लाया हूं, एवरेज। इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन कठिन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं पेपर में अगर आते हैं तो डेफिनेटली मैं बहुत प्यारे प्रश्न करवाऊंगा आप सभी विद्यार्थियों। और मेरे भाइयों और बहनों से यही विनती रहेगी मेरी कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न हैं बहुत सारे अच्छे होने वाले हैं। और नव वर्ष भी आने वाला है, तो आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ पहले से ही, बाकी कल तो मैं दूंगा ही। तो उम्मीद करेंगे कि चीज़ें बहुत आसान करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इसको कंपेयर मेथड से कैसे कर सकते हो आसानी से। तो आपका समय मैं शुरू कर देता हूं अब, और इस प्रकार एक बार पढ़िएगा, ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। पॉज करके भी कर सकते हैं। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए इस प्रश्न को बहुत आसानी से हम करने वाले हैं, तो जरा देख लेते हैं कि कितनी आसानी से करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, बोला गया है कि तीन कक्षाएं हैं ए बी और सी। तो मैंने बोल दिया भाई ए बी और सी तीन कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको कितने, ए में आपको दे रखा है 80, बी में आपको दे रखा है 112 और सी में आपको दे रखा है 128। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और इनके आपस में एवरेज भी दे रखे हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एवरेज दे रखे हैं कि एक कक्षा में स्टूडेंट्स के एवरेज अंक कितने हैं 83, बी में कितने हैं 79 और सी में कितने हैं 84। तो ये क्या दे रखे हैं, इनके एवरेज, इंडिविजुअल एवरेज दे रखे हैं। अब बोला गया है कि ओवरऑल एवरेज निकालो, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं वेटेड एवरेज से करूंगा। ऐसा नहीं है, वेटेड एवरेज आसान है कि भाई दोनों का गुणा कर दिया और टोटल स्टूडेंट का भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुराना हो गया, और कैलकुलेशन कितनी है भाई साहब। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप मिनिमम कैलकुलेशन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक मेथड निकाला जिसको हमने कंपेयर मेथड का नाम दिया था, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व करवाता हूं, और ये लाजवाब मेथड है, इसका कोई जवाब नहीं है भाई साहब। देखो कैसे करेंगे इससे इसको, आप क्या करें, औसत निकाल रहे हो ना आप, ओवरऑल औसत। तो औसत ही मान लो, आपने मान लिया कि मेरा औसत 79 है। 79 क्यों माना, क्योंकि मिनिमम है इसलिए मान लिया। तो मैंने मान लिया कि 79 मेरा औसत है भाई साहब, ठीक है, मान लिया तो मान लिया। अब आके कंपेयर करते हैं, तो 79 से ये 83 कितना ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। और 80 स्टूडेंट में कितने अंक ज्यादा हो जाएगा, 320। कॉमन सेंस वाली बात है भाई साहब, कॉमन सेंस वाली बात है कि 79 तो मैंने मान लिया, लेट क्यों, मिनिमम मान लिया, मान लिया। अब आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन मिनिमम मानो, और इन्हीं में से मानो, जिससे कि क्या फायदा होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि कंपेयर किया मैंने 79 को 83 से, 4 आया, यानी कि 4 अंक की बढ़ोतरी एक में। 80 स्टूडेंट के लिए 8 × 4 = 32, 79 इसलिए माना, देखो 0 हो गया ना, यहां से कुछ नहीं आएगा, कैलकुलेशन बच गई। 79 से इसको कंपेयर किया, 5 आया, 128 × 5 कितना होता है, 640, यानी कि इतने अंकों की बढ़ोतरी हो रही है, कितनों में, इन सभी स्टूडेंटों में। और सभी स्टूडेंट को अगर मैं जोड़ता हूं तो सिंपल तौर पर दिख रहा है मेरे को, 12 इधर जुड़ेगा, 140, 240 और 80, 320, 960, 320, 79 + 3, 82 आपका आंसर आ गया, ये वेटेड एवरेज आ गया। कितनी जल्दी निकाल लिया, और आंसर भी आ रहे होंगे आपके, बिल्कुल सही बात है। तो तरीका बहुत अच्छा है और इसको यूज करिए आप, जिससे कि आप किसी भी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकें। देख लेना दोबारा रिपीट करके वीडियो को, कोई इशू नहीं है, रिपीट ना करने की कोई आवश्यकता नहीं है रिपीट करने की, क्योंकि आपको समझा दिया है मैंने कि मिनिमम मान लीजिए 79, फिर इसको इससे कंपेयर किया मैंने, इससे तो 0 आ रहा है ना डिफरेंस, तो 0 × 0 = 112 करूंगा तो 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम मान लेते हैं इसी में से, कोई दिक्कत ही नहीं, आप करके देख लो चाहे।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ चार चार का डिफरेंस आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 8 × 32 = 320 वहाँ से आया, यहाँ से जीरो का आ रहा है तो इसको तो छोड़ो, यहाँ से 5 का आया 128 × 5 = 640 और ये बटेगा किस में, ये सारे अंक जो एक्स्ट्रा हैं ये बटेंगे अपने 320 टोटल छात्रों में, डिवाइड कर दिया 79 + 382 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको करके बताओ मजा आएगा, देखो एक बार पढ़ो करो, कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें ये भी मुझे बताओ। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आपको घबराहट हो रही होगी क्या, आसान है, देखो तरीका क्या है मैं बताता हूं, एलिगेशन लग जाएगा इसमें साफ साफ, कैसे लगेगा देखो, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार दे रखा है, अब कुछ विद्यार्थी है मुझे पता है क्या, नहीं पता ना कितने हैं, तो मैंने मान लिया कि कुछ विद्यार्थी होंगे जिनका औसत भार 63 है, और चार नए विद्यार्थी हैं, यानी कि कुछ विद्यार्थी हमें पता नहीं है और चार विद्यार्थी हमें पता है और सम्मिलित हो जाते हैं, तो टोटल औसत भार इतना आ जाता है, यानी कि x मतलब कितने भी मान लो आप, टोटल आपका बीच में आ जाता है, हम जानते हैं ओवरऑल औसत भार। अब चार विद्यार्थियों, चार जो नए सम्मिलित हुए हैं उनका औसत पता है क्या, बिल्कुल पता है, ये सबका वेट दे तो रखा है, इनको जोड़ लीजिए, तो मैं जब इनको जोड़ता हूं 5 × 5 = 10, 9 × 9 = 18, 2 = 20, 8 × 5 = 13, 5 = 18 + 6 = 24, 240, यानी कि 240 आ रहा है, बटे कितना है 4 है, तो औसत कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना 60 आ गया ना, हो गया काम, बस लगा दीजिए, और ये चार विद्यार्थियों का है, पता है ना आपको, और यहाँ हमें नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, इसको क्वेश्चन मार्क मान लिया, तो देखो कितना फ़ायदा हो गया क्वेश्चन में, ये चला गया 5/2 हो गया, और ये हो गया 1/2, संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा 5:1, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, टोटल पूछा गया है कि कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 1:1 है ये संख्या 4 के बराबर है, तो 6:1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 = 6 है ना, तो 1:4 है तो 6:1 यानी कि टोटल 24 विद्यार्थी हो जाएंगे, यही आपका आंसर है, तो आसानी हो गया ना, आसानी से हो गया, अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप कितने लाइक करते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उम्मीद यही करूंगा कि आप सब लोग लाइक भी करते रहेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, ये लीजिएगा, छोटा वीडियो है बड़ा धमाका है, पढ़ते पढ़ते प्रश्न का उत्तर दीजिए, और प्रश्न भी बहुत लाजवाब है, ये लीजिएगा, आपके लिए प्रश्न दिया है मैंने, इसको पढ़ें एक बार, आप पढ़ के कोशिश करें करने की, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, आसान है, नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। चलिएगा, तो एक बार ट्राई किया होगा, और ट्राई भी नहीं किया हो तो पढ़ तो लिया ही होगा, देखो कैसे करते हैं, सिंपल लैंग्वेज है, माता पिता और पुत्र, यानी कि मदर फादर और सन की औसत आयु दे रखी है 33, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 33 × 3 = 99, बेटे की लव मैरिज हो जाती है और अब परिवार की औसत आयु 30 साल हो जाती है, यानी कि लव मैरिज हो जाएगी तो माता पिता बेटा खुद और उसकी वाइफ 30 हो गए, औसत चार फैमिली में बंदे हो गए 120, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ वाइफ जो आई है वो 21 साल की होगी, भाई दिख ही रहा है आपको, जब तीनों थे तो 99 था, चारों आ गए तो 120 हो गया, 21 साल की वाइफ आ गई, अब क्या हो गया भाई, अब प्रेम विवाह से नाराज होकर माँ ने घर छोड़ दिया, अब माँ की जगह कौन आ गई, घर छोड़ दिया लेकिन सास परिवार में शामिल हो जाती है, और जिसकी आयु उसकी बेटी से 25 साल अधिक है, यानी कि सास की आयु कितनी है, बेटी की तो आपने निकाल ली, सास की आयु हो जाएगी 21 + 25 = 46,
माँ की जगह कौन आ गई? सास। पिताजी हैं ही घर में, बेटा है ही, पत्नी है ही। औसत कितना हो जाता है? 28 × 112। पत्नी की आयु पता है? 21 है। सास की आयु पता है? 46 है। फादर और सन की आयु निकल जाएगी पिता पुत्र की, 112 में से आप घटा देंगे तो 46 और 21 अगर चले जाएंगे तो फादर और सन की कितने हो जाएगा? 112 − 67 ये हो गया 45। तो फादर और सन मिलाकर कितने हो गए? 45 साल के। आपसे बोला गया है माँ की आयु निकालो, तो मदर फादर और सन की पता है, फादर और सन की पता लग गई 45, तो 45 इसमें से माइनस कर दो, माता जी की आ जाएगी 54। बहुत आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे, इतना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे ना हो, ठीक है, ट्राई करना था बस एक बार। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा, एक बार घर पे भी ट्राई करो यार, कम से कम बैठे हो तो एक बार और ट्राई करो। सास की निकली गई, वाइफ की निकल गई, दोनों से घटा दिया 112 में से, 112 में से 67 घटाएंगे तो 45 आ गए फादर और सन, और मदर फादर सन की पता थी 99 है टोटल, तो फादर और सन की माइनस कर दी 99 में से, 54 आ जाएगी कितनी? माता जी की। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करो, ये लग कठिन रहा है लेकिन है आसान, डबल एलिगेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा देखिएगा। तो इस प्रश्न को करके बताओ एक बार, चलिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करते रहिए, है ना, जिससे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको हमेशा कराता रहूं। देखिएगा, एक व्यक्ति के पास तीन प्रकार की वस्तुएं हैं, तो मैंने कहा पहली प्रकार की, दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की, अलग अलग रूप से बेच रहा हूं, तो लाभ कितना हो रहा है? पहली वस्तु पर हो रहा है 25% का, दूसरी वस्तु पर हो रहा है 18% का, और तीसरी वस्तु पर हो रहा है 26% का, जैसा कि बोला गया है, मैंने कुछ अलग से थोड़ी ना किया है इसमें। चलिए, अब बोला गया है कि भैया पहली और दूसरी को मिलाकर 20%, यानी कि इन दोनों के बीच में 20%, दूसरी और तीसरी को मिलाकर 21%, तो इन दोनों के बीच में 21%, तो लगा दीजिए एलिगेशन, सोच किस बात की रहे हैं, 20-25 में से 5 गए, 20 में से 18 गए 2, और 26 में से 21 जाएंगे तो 5 ही आ रहा है, और ये हो जाएगा 3। तो देखिए कितना शानदार कॉम्बिनेशन बैठा है, अगर नहीं बैठता तो हम रेशो भी बराबर करते, लेकिन यहाँ ये 2:5:3 आ गया। ये क्या है? पहली वस्तु की संख्या, दूसरी वस्तु की संख्या, तीसरी वस्तु की संख्या, ये रेशो में। अब आपसे बोला गया है सभी वस्तुओं को एक साथ बेचता है तो औसत प्रतिशत लाभ बताइए, यानी कि कंबाइंड प्रॉफिट बताना है। कैसे बताएंगे? बहुत आसान है, 25% पर इंडिविजुअल खरीदी थी तो दो वस्तु कितने में आ जाएंगी? 50% के लाभ पर, प्लस 18% एक पर है, पांच वस्तुओं पर कितना हो जाएगा? 90%, प्लस 26 × 78, यानी कि अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो जो भी आ रहा है, और 10 का भाग दूंगा, 10 कहां से आया? नंबर ऑफ वस्तुएं 2, 3, 7 और 3, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से? 218/10%, यानी कि 21.8% का आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको अपनी नोटबुक में लिख के रखना सारे प्रश्नों को, ये बहुत अच्छे प्रश्न है। कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आऊंगा 11:00 बजे, तो तैयार रहिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी, है ना, और अच्छा लगना ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है, और एक बार ट्राई करिए, फिर मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, अच्छे से सीख रहे हो ना। चलिए, चलिएगा, कैसे इसको आसानी से करेंगे? देखो, मुझे इतना पता है, जब भी मैं स्टूडेंट को एवरेज पढ़ाता हूं ना, तो ये चीज मैं हमेशा बता के रखता हूं कि 20 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु इतनी बढ़ गई, क्यों? दो व्यक्ति जिनकी आयु 49 और 61 थी, उनके बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कि ये जो लॉजिक है ये रिप्लेसमेंट का लॉजिक है, और इसका डायरेक्ट तरीका होता है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है,
रिप्लेसमेंट में कुछ भी नहीं होता, कोई भी जो नए आए हैं उनकी अगर टोटल एज निकालनी है, नए आने वालों की टोटल अगर एज निकालनी है तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ओल्ड वालों की एज लिख दो, पहले ओल्ड वालों की एज लिख दो टोटल एज, प्लस टोटल नंबर तो सेम ही रहेंगे, 20 के 20 है तो 20 ही रहेंगे, जो भी नंबर ऑफ मेंबर है व्यक्ति तो उतने ही रहेंगे, और जो एवरेज डिफरेंस आया है वो लिख दो, एवरेज डिफरेंस, बस हो गया काम। यानी कि आपकी जो टोटल नए वालों की एज है वो कितनी आ जाएगी, 49 प्लस 61 यानी कि ये कितना हो गया 110 प्लस 20, एवरेज डिफरेंस कितना है 1.5, क्योंकि इतने की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया 110 और 30 140, लो खत्म बात। यानी कि जो दो नए आए हैं उन दोनों की टोटल एज, न्यू वालों की टोटल एज हो जाएगी 140। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो जने हैं इसमें, दोनों का योग दे दिया। अब बोला गया है कि एक व्यक्ति की आयु दूसरे की आयु से 80% अधिक है, तो मैं इतना तो जानता हूं दोस्तों, 80% का मतलब होता है 4/5, यानी कि अगर इसकी 5 है तो इसकी 9 होगी, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, तो 14:1 अगर 140 है ना, तो 1:10 आ गया, और आपसे डिफरेंस पूछा है यानी कि 4:40 आपका आंसर आ जाएगा, ये लीजिए खत्म बात। यानी कि दोनों व्यक्तियों की अगर आयु के बीच का अंतर पूछूंगा तो 40 आपका सही आंसर आएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये निकालना था, बाकी 9 और 5 आपको पता है और आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो आपके लाइक के माध्यम से ये चीज मुझ तक पहुंचा दें कि आपको सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे ही सेशन में कल भी कंपाउंड इंटरेस्ट का लेके आऊंगा आपको, छोटा होगा लेकिन उसके क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पेपर में आते हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइक जरूर करके जाएं और इस वीडियो को शेयर करके जाएं, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपने शेयर किया है। साथ के साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करो एक बार, जिससे कि आप बार बार परेशान ना हो जाएं। आपके लिए मैं बता देता हूं, 19-20 में अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है CHSL में तो कंबाइंड बैच चल रहा है और ये आपका पैटर्न रहता ही है सिलेबस का, सारी चीज़ें हैं 25 क्वेश्चन 50 नंबर की, ये सारी चीज़ें। तो 3 जनवरी से मेरा बैच आ रहा है जिसमें मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूं और अर्थमेटिक मेरा अभी से चल ही रहा है, तो अभी अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी अर्थमेटिक को कवर करने में। इसकी क्लास 4 बजे होती है और ये बेस्ट क्लास है, तो इसको अभी ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको बाद में तकलीफ ना हो। और एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा मैं 3 तारीख से। इसी तरीके से दीपक सर भी मेरे साथ बूस्टर लेकर आ रहे हैं, जैसा कि इनका बूस्टर है 3 जनवरी से, तो ये भी आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं बूस्टर के माध्यम से। इसी प्रकार भुवनेश सर और हर सर भी अपना कोर्स करवाएंगे आपको। तो कैसे लेना है मैं एक बार बता देता हूँ, इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, गोल आपका SSC है। SSC सेलेक्ट करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में 12 महीने का सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि आप SSC के सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें सब कुछ हो जाएगा एक बार में। आपको कोड लगाना होगा WIFI SSC, जिससे कि आप हमारे कोर्स एक्सेस कर पाएं, WIFI SSC। इसके माध्यम से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 6,000 रुपये की राशि है। अप्लाई जब करोगे ना तो यहाँ लिखा आएगा रेफरल कोड अप्लाइड, तो 5400 हो जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। साथ के साथ ये मेरा आपके सामने यही गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लें। साथ के साथ आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल का नाम है वो है मैथ्स बाय साहिल सर। तो उम्मीद करूँगा कि आप यहाँ मेरे से जुड़कर, और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करोगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो ये मेरा चैनल है, तो मैथ्स बाय साहिल सर, आप मुझ पर जुड़ सकते हैं। तो कल मिलूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर चीज़ें दे पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करके जाइए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी, और आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं फिर एक बार। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।